आखिरी बार पूछ रहा हूं, किसने किया ये? किसने किया ये? बता बता। हमने हमसे गलती से तन्ने पता है यो तस्वीर मेरे लिए कितनी कितनी अनमोल है। यो आखिरी तस्वीर की साक्षी की जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी और तूने यो आखिरी तस्वीर जला के राख कर दी। नहीं हम माफ कर। कुछ मत बोलना। तूने मेरी साक्षी की आखिरी निशानी मिटा दी। अब सोच ले इसका अंजाम क्या होगा। हर साल साक्षी की बरसी में जो तस्वीर के साथ मनाता हूं, दो दिन बाद साक्षी की बरसी है। क्या करूंगा मैं, कैसे मनाऊंगा मैं उसकी बरसी? जो तस्वीर तूने भले ही मिटा दी हो पर पिछले 5 साल से मनाए जाने वाली रस्म तू ना मिटा सकती। इस साल भी हर साल की तरह यह रस्म साक्षी की तस्वीर के साथ ही मनेगी, चाहे जो भी हो जाए। वीरेंद्र, 2 दिन बाद ही है साक्षी की बरसी, इतनी जल्दी तू तस्वीर कैसे बनाएगा? फिर से बनाऊंगा माँ, 2 दिन के अंदर बनाऊंगा। वीरेंद्र यो नामुमकिन है। अरे यो तस्वीर बनाने में तेको 2 महीने लग गए थे, अब 2 दिन में कैसे बनेगी तस्वीर? बनाऊंगा मामा सरकार, कैसे भी बनाऊंगा। भूखा प्यासा रहकर 24 घंटे जाग कर दिन रात लगाकर, लेकिन बनाऊंगा। ये मेरा वादा है साक्षी तक। पर मुख्य नहीं तेरी सजा यो है, जो तस्वीर तूने मिटाई ना तो तू भी मेरे साथ दिन रात जाग कर भूखे प्यासे रहकर 24 घंटे जाग कर यो तस्वीर को बनता देखेगी। एक पल में तूने ये तस्वीर मिटा दी ना, अब हर पल तू इसे बनता देखेगी। वीरेंद्र क्या कह रहा है तू? छोरी 2 दिन भूखी प्यासी कैसे रहेगी? रहना पड़ेगा मामा सरकार, रहना पड़ेगा। साक्षी की बरसी हर साल मेरे लिए कितनी खास हो गई है यो आप भी जान रहे हो मामा सरकार। उसकी बरसी में आज तक मैंने कोई कमी न होने दी और इस बार भी न होने दूंगा। यो बावरी ने मेरी साक्षी की यादें मिटाने की कोशिश की है, उन यादों को दोबारा जिंदा होते देखना इसके लिए भी तो यादगार होना चाहिए ना। जब भूखा प्यासा रहेगी ना अपने आप समझ जाएगी कि वीरेंद्र प्रताप सिंह के लिए साक्षी को मिटाना इतना आसान ना है। हमें मंजूर है आपकी सजा। जब तक आप साक्षी जी की तस्वीर पूरी नहीं कर लेते तब तक हम ना ही कुछ खाएंगे ना ही पिएंगे और ना ही सोएंगे। ये वादा है हमारा। वादा करना आसान होता मुखिया ने, पर निभाना उतना ही मुश्किल। और ऐसा वादा तो देखते हैं वादा निभता है कि टूट जाता है। मैं तो मुखिया के नाम लेने जा रही थी पर उसने तो खुद ही अपना नाम ले लिया। आज मेरी गलती की सजा मुखिया को मिल रही है। लोगी जी। अरे ले लो। हमारे यहाँ ड्रिंक्स को अच्छा नहीं मानते, नॉट इवन फॉर द बॉयज। तो लड़कियों का तो छोड़ ही दो, वो नहीं लेगी। दो दिन छोरी भूखी रहेगी तो मरी जाएगी। अरे यो वीरेंद्र बिना कोई इतनी कठोर सजा दे रहे है क्या? और वो भी ऐसी नाजुक छोरी ने। अरे मैं मानता हूँ कि उसने साक्षी से बहुत प्यार है,
पर साक्षी जिंदा ना है और जो लोग जिंदा है साक्षी खातिर उन लोगों को मारेगा क्या? बात तो आप ठीक कह रहे हो भाई जी, पूर्वी ने जान पूछ के तो किया ना होगा, जरूर कोई गलती हो गई होगी या कोई हादसा हो गया होगा, लेकिन इतनी बड़ी सजा। मैं वीरेंद्र से बात करूंगी, 2 दिन तक भूखे प्यासे रखना ये किस तरीके की सजा है? बिचारी मुखियानी, मुझे लगा था कि वो आपका नाम लेगी, पर उन्होंने तो आपकी गलती अपने ऊपर ले ली। मानस मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ होगा, बाबा इतना गुस्सा होंगे और इतनी बड़ी सजा दे देंगे मुखियानी को। मेरे पास एक आइडिया आया मुखियानी को बचाने का, चल मेरे साथ चल। एक बार सोचा जाए भाई जी तो जो हुआ अच्छा ही हो रहा है। 2 दिन दोनों साथ रहेंगे ना तो दोनों को एक दूसरे को जानने पहचाने का मौका मिल जाएगा। पर वो छोरी इतनी मजबूत ना है कि 2 दिन भूखी प्यासी रह लेगी। ना भाई जी। अरे ये तो मेरी दीदी का घर है। चल ब्रो। चक्कर क्यों आ रहे? लगते कल से खाना नहीं खाया इसलिए। पानी। क्या हुआ आपको? पानी चाहिए? Are you all right? तुम भी यही रहते हो? हाँ, पर क्यों पूछ रही हैं आप? मुझे भी यही आना था, वो हमारी दीदी भी यही रहती है, मुखियानी है वो इस घर की। अच्छा चलो फिर आ जाओ मेरे साथ। बाय गाइस। ओके बाय बाय। अरे ये तो बेहोश हो गई। गाइस पानी फास्ट जल्दी। हम मदद कर दे आपकी थोड़ी सी। और तेरे तो यो सब तेरे वजह से हुआ है। जानते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, वो तो गलती हो गई थी हमसे। हम गलती को सुधारने के लिए कह रहे हैं कि अगर मदद कर दे हम तो। यो बात है अज्ञा, आ चला अपना, अब टुकुर टुकुर देख क्या रही है, हाथ दे अपना, यो पकड़ के खड़ी रहे और तब तक खड़ी रहे जब तक साक्षी की तस्वीर तैयार नहीं होती, मूर्ति की तरह खड़ी रहे से। क्या करा बाहुरी?
सॉरी, वो चूहा आ गया था हमें खाने। अरे चूहा है वो, शेर ना है। तुम्हें सुना है कि चूहा आदमी ने खा गया हो? काट तो जाता ही ना, अगर काट जाता तो हमें डर लगता है चूहे से। तू डर ना डर, जो करना है कर, मेरी मदद मत कर, चुपचाप जाके वहां बैठ जा। रख मुंह पे उंगली, पर बार बार कुछ ना है, अपने मुंह पे उंगली रख ऐसे और चुपचाप बैठ, ना चाहे तेरी मदद मन। Are you all right? ये क्या कर रहे थे और छुआ कैसे तुमने? हिम्मत कैसे? से जानती बदतमीज। लंदन का हीरो गांव में आते ही जीरो। गाइस जस्ट शट अप। वैभव कल भी हीरो था और आज भी है, चाहे लंदन हो या फिर कोई गांव। रियली? बट इसे देख के लगता तो नहीं है वो हीरो। ये गांव की घोड़ी है, तुझसे नहीं फटेगी। ये इसे तो मैं चुटकियों में बटा लूंगा लाइक वेरी इजीली। यार इतना ही इजी है तो एक काम कर, तू पटा के दिखा, फिर हम देखेंगे कि इजी है कि टफ है। पटाना 10 दिन, 10 दिन में मेरे बिस्तर पे होगी, आई बेट। चल लगी बेट। ओके 10 दिन, द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। ठीक है, मिलते हैं फिर 10 दिन बाद। बाय डूड। हमें अंदर जाना। कौन है तू? हम मुखियानी के बहन है, हमें अंदर जाना है। तूने इससे पहले भी चोरी की थी ना? अरे हमने कोई चोरी नहीं की, हमें अंदर जाने दो ना। जाते हैं, पुलिस को बुलाऊं? हमें अंदर आने दो ना, पुलिस को क्यों बुलाओगे? चलो जाओ। सुनो ये हमारे साथ हैं, इन्हें अंदर आने दो। जी आ जाओ। हमने इन्हें थप्पड़ मारा और ये तो हमारी मदद भी कर रहे हैं। मानस तू मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया है? भूल गई दीदी, जब हम रूम में बंद थे तो उन्होंने खाना खिलाया था ना। कोई है जो ये गर्मा गर्म हलवा और पूरी भाजी खाएगा? आज उन्हें हमारी वजह से सजा मिली है तो हम उन्हें खाना खिलाएंगे। दीदी कोई नहीं है यहाँ पे, उनके लिए चुपचाप खाना ले चलते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। गुड आइडिया, तूने जल्दी से बोलो पेट लेके आ और जल्दी करना, उनको भूख लगी होगी ना। जा। ये सोच रही है? सोच नहीं रहे, देख रहे हैं कि आंखें कितनी खूबसूरत है।
आप लोग डर क्यों रहे हो? मुझे पता है तुम लोग मुखियानी के लिए खाना लेके जा रहे हो, है ना? पता है मुझे भी बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जाओ खाना लेके जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पक्का किसी को कुछ भी नहीं बताओगे? पक्का पक्का प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। जाओ चल चल। अब अरे अरे अरे, तुम लोगों ने खीर तो लिया ही नहीं। खीर खाने से ताकत आती है, पता है ना? और मुखियानी को ताकत की बहुत जरूरत है, तो खीर ले लो। देखती हूँ मुखियाएं, इन नींद की गोलियां खाके कैसे पूरी करती हो तुम अपनी सजा। कितनी सुंदर है ये आंखें, पर बिना देखे आप ये तस्वीर कैसे बना सकते हैं? मतलब कोई किसी को इतना कैसे याद रख सकता है कि बिना देखे ही आप उनकी तस्वीर बना पा रहे हैं? जीती जागती साक्षी मेरे सामने आ जाती, उसका चेहरा उसकी आंखें सब मेरे सामने ही तो है। पर तू ना समझेगी बावरी, ये कैसी थी मेरी साक्षी। वो थी तो इन रंगों की तरह रंगीन था हमारा जीवन। उसकी बातें सुन के मैं अपने सारे गम भूल जाता था, मेरे दिन मेरी रातें सब ऐसे गुजर जाते थे जैसे सब कुछ एक पल में गुजर गया हो। साक्षी थी तो दुनिया कितनी रंगीन थी, कितनी खूबसूरत थी, ऐसे एक सुंदर तस्वीर, इतनी खूबसूरत। वाला ये खाना फिर आएगा मजा, और मुखियाइन को मिलेगी इस बात तुकनी सजा। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.